नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। सियासत में संयोग और प्रयोग के बीच की रेखा बेहद महीन होती है। इस अंतर का पता लगाना हमेशा आसान नहीं होता। कहने को यह एसटीएफ का एक एक्शन भर था। मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लूट कांड के बाद हुए एनकाउंटर की बात कर रहा हूं, लेकिन सुल्तानपुर डकैती का जो आरोपी आज पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया, उस पर नया विवाद शुरू हो गया है। इस एनकाउंटर पर भी सियासत हुई, लेकिन इसकी दिशा अलग थी। आज इस पर दिखाऊंगा डिटेल रिपोर्ट। एनकाउंटर सिर्फ यूपी में नहीं हुआ है, एक एनकाउंटर महाराष्ट्र के बदलापुर रेप कांड में भी हुआ, जिस पर सियासी सवाल उठने लगे। भारत की बात में आज आपको दिल्ली में शुरू हुए खड़ाऊ राज की तस्वीर भी दिखाऊंगा। यह भी बताऊंगा कि केजरीवाल की जगह दिल्ली की सीएम बनी आतिशी ने खुद को भरत और केजरीवाल को राम के रूप में पेश किया तो क्या क्या हुआ। इसके साथ ही खबर तिरुपति से वृंदावन तक पहुंच चुके उस विवाद की भी होगी, जिसका वास्ता भी प्रसाद में मिलावट से है, लेकिन इस पर हो रही सियासत की कोई हद नहीं। लेकिन सबसे पहले बात एनकाउंटर की जाति परीक्षा की। यूपी में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के मुठभेड़ में मारे जाने पर कैसी राजनीति हुई, ये सबने देखी। अब इस केस के आरोपी अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर किए जाने पर कैसी हलचल है, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पुलिस और लखनऊ एसटीएफ ने सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह को इस स्थान पर मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। उन्नाव में एसटीएफ ने सुल्तानपुर डकैती के एक और आरोपी को ढेर कर दिया। थाना अचलगंज के बेथर की यही वो जगह है जहां सोमवार तड़के मुठभेड़ हुई। पुलिस का दावा है कि उसे 1,00,000 के इनामी आरोपी अनुज प्रताप सिंह की मौजूदगी के सुराग मिले थे। जब उसे घेरा गया तो अनुज ने फायरिंग कर दी। इसके बाद एसटीएफ और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अनुज के सिर में गोली लगी। उन्नाव जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह बदमाश 1,00,000 का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। सुल्तानपुर डकैती की पुलिस ने जो सीसीटीवी तस्वीरें जारी की थी, उसमें एक डकैत के अनुज प्रताप सिंह होने का दावा किया गया था। 28 अगस्त को सुल्तानपुर के व्यस्त बाजार में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई थी, तभी से आरोपी अनुज फरार था। इससे पहले एसटीएफ ने जौनपुर के रहने वाले आरोपी मंगेश यादव को भी एनकाउंटर में ढेर किया था। इस पर जबरदस्त सियासत हो रही थी। अखिलेश यादव ने न सिर्फ मारे गए डकैती के आरोपी के घर मातमपुरसी के लिए अपने नेताओं को भेजा था, बल्कि मंगेश के माता पिता से मिलकर इंसाफ की लड़ाई में उन्हें साथ देने का यकीन भी दिलाया था। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या एनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। अब आरोपी अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर किए जाने के बाद उसके परिजन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और योगी सरकार दोनों पर सवाल खड़े कर रहे। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया, जिसके पास 35-40 केस है उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। वहीं आरोपी अनुज की इकलौती बहन पूछ रही है कि आरोपी को सजा सुनाना जब कोर्ट का काम है, तो फिर पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया? जिन्होंने एनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि एसटीएफ वाले या फिर पुलिस वाले। एनकाउंटर पर राजनीति पहले से गर्म थी, अब फिर आर पार का माहौल बन चुका है। अब समाजवादी पार्टी या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जबान तो नहीं खुल रही है, जबान बंद है। उनकी सरकार क्या करती थी? वो तो सांसद बना देते थे, विधायक बना देते थे, सदन में पहुंचा देते थे, यही ना समाजवादी पार्टी रही। अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए ये हत्याएं की जा रही हैं, ऐसी हमारी आशंका है, आरोप है। इस बीच अखिलेश यादव ने ताजा एनकाउंटर के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर योगी सरकार पर फिर हमला बोला। अखिलेश ने लिखा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्ज एनकाउंटर ना इंसाफी है।
हिंसा और रक्त से यूपी की छवि को धूमिल करना प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय। इस बीच मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति के नाम पर भेदभाव के आरोप लगाने वालों को सीधा जवाब दिया। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां बदलापुर रेप कांड के आरोपी अक्षय शिंदे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। यह सब तब हुआ जब पुलिस आरोपी अक्षय शिंदे को किसी दूसरे मामले में जेल से लेकर जा रही थी। शुरुआत में खबर आई कि अक्षय शिंदे ने खुद पर गोली चलाई, लेकिन पुलिस ने इस मामले को विस्तार से समझाया। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से लेकर जाया जा रहा था, उसने तब पुलिस वाले से बंदूक छीनी और दो फायर किए। इस फायरिंग में एक इंस्पेक्टर के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। दावा किया गया कि इसी फायरिंग के बाद एक दूसरे पुलिसकर्मी ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और अक्षय शिंदे को ढेर कर दिया। इस मामले में सियासत ने भी तूल पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष ने इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग उठा दी है। और हमारे साथ इस वक्त गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। गणेश, इस एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है एनकाउंटर को लेकर, महाराष्ट्र में अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर अब न्यायिक जांच की मांग उठ रही है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। जी गणेश। जी बिल्कुल रोहित, और महाराष्ट्र सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, न्यायिक जांच के नहीं माफ करिएगा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, और इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो न्यायिक जांच के आदेश देने के लिए भी वो तैयार हैं, ये साफ कर दिया है। उनका कहना यह है कि राज्य में चुनाव है और चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए विरोधियों की तरफ से इस प्रकार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना गलत है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि आज शाम को जब अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम अपने साथ एक दूसरे केस में कोर्ट से मिली कस्टडी के बाद ले जा रही थी, तब मुमरा बाईपास के पास उसने पुलिस अधिकारी नीलेश मोरे की रिवॉल्वर ली और उससे पुलिस पर फायरिंग की। गाड़ी में ही मौजूद अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने सेल्फ डिफेंस में अक्षय शिंदे पर 3 राउंड फायर किया, जिसमें 2 राउंड उसको लगे हैं। 1 राउंड नीलेश मोरे को अक्षय शिंदे का लगा है, उनके पैरों में चोट आई है, वो भी गंभीर रूप से जख्मी है। तो राज्य सरकार का कहना है कि इस प्रकार सवाल उठाना गलत है, पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि उसको नियंत्रण में लाया जाए, लेकिन जब उसने फायर किया तब रिटेलिएशन में सेल्फ डिफेंस में पुलिस की तरफ से काउंटर फायर किया गया था। आपको बता दें रोहित कि बदलापुर का ये वही मामला है जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे देश में एक तरह से राज्य सरकार पर टीका हो रही थी, उसको घेरा जा रहा था विरोधियों की तरफ से, और ये मामला बहुत बड़ा हो गया था। अक्षय शिंदे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करने के आरोप में उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही गणेश यहाँ पर जा रहा था, लेकिन अब इस एनकाउंटर के बाद बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा मामला था और बड़े सवाल उठ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि अभी शुरुआती तौर पर विभागीय जांच होगी, अगर आवश्यकता हुई तो न्यायिक जांच भी करवाएंगे, यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल रोहित, देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि इस मामले की जांच होगी, क्योंकि विरोधी पार्टियों के नेताओं की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, और मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ठाणे पुलिस इसमें कोई बात छुपाएगी नहीं, और इसमें ज़रूरत पड़ी तो न्यायिक जांच की अगर मांग होती है तो उसके लिए भी राज्य सरकार तैयार है, ऐसा उन्होंने कहा है। जी गणेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में भी एनकाउंटर को लेकर राजनीति जारी है, यानी यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक एनकाउंटर पर सियासत हो रही है। बढ़ते आगे अब बात दिल्ली की, जहां आतिशी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया, लेकिन उस कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया जिस पर मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। इसके साथ ही आतिशी ने कहा कि जिस तरह भरत ने 14 साल तक श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का राजकाज चलाया था, दिल्ली में वो भी उसी तरह सरकार चलाएगी।
आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की। दिल्ली से राजनीति की आज की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई। सचिवालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अपने 3 मिनट 30 सेकंड के संबोधन में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने 8 बार अरविंद केजरीवाल का, 4 बार प्रभु श्री राम का नाम लिया। अरविंद केजरीवाल की तुलना भगवान राम से कर डाली, अपने लिए भरत का दर्जा तय कर लिया। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। दिल्ली के लोग फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। और इसी के साथ दिल्ली में खड़ाऊ राज शुरू हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में अब 2 कुर्सियां हैं, एक सफेद रंग की जो आतिशी ने अपने लिए लगवाई है, दूसरी भूरे रंग की जो भविष्य के मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा में खाली पड़ी है। आतिशी ने जो रामायण कथा सुनाई उसी से बीजेपी खर दूषण और ताड़का निकाल लाई। पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, खर दूषण और ताड़का खुद को राम लक्ष्मण और भरत होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये मोहिनी ड्रामा कंपनी की नौटंकी पर अब पर्दा गिरने का समय आ गया है। ये चमचागिरी की पराकाष्ठा है। कोई शपथ लेने की जरूरत नहीं थी ना, वो ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी, ऐसी कुर्सी पड़ी रहने देते खाली। कानूनी रूप से मेरे ख्याल से इसमें कानूनी तौर पर कोई प्रावधान नहीं है कि कौन किस कुर्सी पर बैठता है। तो उन्होंने अपनी जो एक श्रद्धा है, जो उनका विश्वास है, जो उनकी सोच है, उसको उन्होंने उसके माध्यम से सबके सामने रखा है। दिल्ली में जून के महीने यानी लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गलबैया डाले घूम रही थी, लेकिन रिश्तों में 100 दिन की दूरी का असर कहें या फिर दिल्ली चुनाव को लेकर अब तक गठबंधन ना हो पाने की खींच, सीएम दफ्तर में डबल कुर्सी वाली बात कांग्रेस को भी हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि आतिशी ने खुद ही खुद को डमी सीएम बना दिया। भ्रष्टाचार के मामले में जेल रहकर आया है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कंपेयर किया जा रहा है। आतिशी जी ने आज हद कर दी है। आतिशी जी ने स्वयं अपने आप को एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है, तो मुझे कोई उम्मीद अब बची नहीं है। दिल्ली में सीएम परिवर्तन पर आम आदमी पार्टी ने लाइन लेंथ तभी साफ कर दी थी जब सीएम पद की शपथ लेने के बाद आतिशी ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। अब बारी खड़ाऊ राज की है और सामने 4 महीने की चुनावी तपस्या है जिस पर केजरीवाल, बीजेपी और कांग्रेस तीनों की उम्मीदें टिकी हैं। और अब बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस के शैलजा संकट को लेकर अब भी सस्पेंस कायम है। पार्टी की दिग्गज नेता कुमारी शैलजा अब तक चुनाव प्रचार से दूर हैं। हालांकि उन्होंने 2-3 दिन बाद प्रचार में शामिल होने की बात कही, लेकिन विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। शैलजा ने कहा कि वो नाराज भले ना हो लेकिन चुनाव ना लड़ पाने को लेकर निराश जरूर है। अब सवाल यह है कि शैलजा अपने इस बयान से क्या सिग्नल देना चाहती है। इलेक्शनों में दलित याद आ जाए, मलाल तो नहीं लेकिन हाँ डिसअपॉइंटमेंट तो है। आप 25 को देखना। कुमारी शैलजा की कांग्रेस से नाराजगी की चर्चा इस वक्त हरियाणा के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। बीजेपी तो इसे चुनावी मैदान तक में भुनाने में पीछे नहीं। और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। इस बीच कुमारी शैलजा ने बड़ी बात कह दी है, जिसके बाद पूछा जा रहा है कि आखिर 25 सितंबर को कुमारी शैलजा क्या करने जा रही हैं? आप 25 को देखना। 25 को क्या होगा? आप देख लेना, पता चल जाएगा। जब हरियाणा में कांग्रेस का प्रचार पुरजोर ढंग से आगे बढ़ रहा है तो कुमारी शैलजा घर की चार दीवारी तक क्यों सिमटी है? इस एक सवाल ने हरियाणा की सियासत में बवाल मचा रखा था। अब शैलजा ने साफ कर दिया है कि वो जल्द पार्टी के लिए प्रचार करेंगी।
तकरीबन 10 दिनों से आपकी कोई सभा या कोई रैली जनसंपर्क नहीं हुआ, इसके पीछे क्या वजह? वो नहीं हुआ, लेकिन अब निकलेंगे वो पहले से ही। देखो ये नहीं है कि आज ही मैंने ये फैसला कर लिया या कुछ, ये हमारा मेरी प्लानिंग थी और आपको आगे पता भी चल जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।